चाकसू में नवजात बच्चे की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। कोटखावदा के राजकीय चिकित्सालय में यह हंगामा हुआ, जहां नवजात का शव लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर परिजन बैठ गए। परिजनों ने लापरवाही का आरोप भी लगाया। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर भी ताला जड़ दिया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सत्यनारायण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कैसे ही पूरा मामला सामने आया? ये चाकसू क्षेत्र के कोटखावदा का मामला है। एक नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिजनों का आरोप था कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई, उसके लिए जयपुर अस्पताल में ले जाने के लिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी डॉक्टरों से कि इसको रेफर कर दिया जाए, जहां इसका बच्चे का अच्छी तरह इलाज जयपुर में हो सके। उसी को लेकर वहां मौके पर डॉक्टर है नहीं, वहां पे मौके पर डॉक्टर नहीं थे, बाकी और स्टाफ था जो उन्होंने जयपुर के लिए रेफर नहीं किया। किस तरीके से परिजन फिलहाल आक्रोशित नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कोई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचा समझाइश के लिए? अभी उनके परिजन अस्पताल के बाहर गेट पे, मेन गेट पे ताला लगा दिया और बाहर गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो कोई अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचे हैं या कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे हैं अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो परिजनों ने यहां लापरवाही का आरोप लगाया है। नवजात बच्चे की मौत के बाद ये पूरा हंगामा पेश आया है। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के मुख्य गेट पर भी ताला जड़ दिया है। चाकसू में नवजात बच्चे की मौत के बाद ये पूरा हंगामा पेश आया है। फिलहाल वक्त